यूं तो कच्चे केले से बहुत सारी रेसिपी बनाई जाते हैं। इसकी सब्जी बनाए होंगे, पकोड़े बनाए होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केले की ऐसी नई लाजवाब और टेस्टी, जिसको देखने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए हम इसे बनाते हैं। ये हमने केले ले लिए हैं और इसको अच्छे से धो करके दोनों तरफ से काट लेंगे और इसको छील लेंगे। आप चाहे तो छीलन की सहायता से छील सकती हैं या चाकू की सहायता से। तो हमने ऐसे छील करके इसको बड़े बड़े शेप में इसको काट लेंगे। इतने बड़े 1 इंच के लमसम इसको काटना है, इतना मोटा मोटा में। तो ऐसे ही हम सारे केलों को छील करके काट लेंगे। तो ये हमने सारे केलों को छील करके काट लिए हैं और इसको पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके और उसी में केले को डाल देंगे ताकि ये काले न पड़े, क्योंकि ये केले, कच्चे केले जो है बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं और इसमें का जो कसापन होता है वो भी निकल जाता है और काले भी नहीं पड़ते हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल में केले की सब्जी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। अब पानी से केले को निकाल लेंगे और इसमें का पूरा पानी निथार लेंगे और उसके बाद केले को डाल करके इसको भून लेंगे। भूनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है और फिर मिक्सी जार में 1 से 1.5 टमाटर इसको काट करके डाल देंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और अदरक, इन सबको पीस लेंगे। और इसी में हम खड़े मसाले कुछ यूज करेंगे। ये जीरा है और ये मरीच है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग और दालचीनी, इन सबको भी इसमें हम पीस लेंगे। खड़े मसाले का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा खड़े का मसाला यूज करते हैं। इन सबका हमने पेस्ट बना लिया है और ये केले भी अच्छे से भून गए हैं और भूनते में ही केले अच्छे 80% तक पक जाता है। तो इसको पैन से निकाल लेंगे। फिर उसी तेल में हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो ये भुने हुए केले हमने निकाल लिए हैं और जो तेल बचा था उसी में थोड़ा सा हींग डालेंगे और जीरा डालेंगे और उसके डालने के बाद से 1 हरी मिर्च काट के डाल देंगे अपने तीखापन के अनुसार। आप इसमें मिर्च का कम या अधिक कर सकती हैं। और बड़े 1 साइज का प्याज लेकर उसको चॉप करके इसमें डाल देंगे। उसको अच्छे से भून लेंगे और जब प्याज भून जाए तो इसमें जो हमने ग्रेवी तैयार किए थे पेस्ट टमाटर और लहसुन का, तो उसको इसमें डाल करके इसको भून देंगे। और फिर ये सूखे मसाले डालेंगे, ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मिक्स मसाला, गरम मसाला। तो हाय फ्रेंड्स, अब तक के वर्णन किचन को आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। काफी अच्छी अच्छी वीडियो है, अरे भाई शेयर तो करें। हमने खड़े मसाले भी यूज किए हैं गरम मसाले में और पाउडर भी यूज किए हैं और फिर इसमें ऐसे प्याज के ऊपर का बड़ा बड़ा साइज का निकाल लिए हैं और उसको भी ऐसे डाल देंगे। और टमाटर का भी हमने इसमें बड़े साइज में काट करके डाले हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। और उसके बाद से कस्तूरी मेथी थोड़ा सा सोटे करके और इसको मसाल के हाथों से इसमें डाल देंगे। इसको भूनते हुए जब ये थोड़ा भून जाए, मसाले तेल छोड़ने लगे, तब इसमें भुने हुए केले डाल देंगे। और केले डालने के बाद से फिर इसको चला नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए और इसको चला करके भून लेंगे ताकि नमक जो है सारे सब्जी में मिक्स हो जाए और पक भी जाए। तो जिससे नमक पक जाता है तो अच्छा टेस्ट आता है। तो और उसके बाद से इसमें 1 गिलास से कम ही पानी डालेंगे। हमने इसमें 1/2 गिलास पानी यूज किया है। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा ये सूखे सब्जी अच्छे लगते हैं तो इसलिए हमने इसमें 1/2 गिलास पानी यूज किया है। इसके बाद से ढक्कन लगा देंगे, लीड लगा करके इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो ये 2 से 3 मिनट हो गया है, ये अच्छे से पक गया है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अब बहुत अच्छा इसकी सुगंध आ रही है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और गैस से हमने उतार करके इसको रख दिए हैं। चलिए अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो धनिया पत्ते से हम इसे गार्निश कर देंगे। इसका सुगंध बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और धनिया पत्ता डाल करके इसको मिला देंगे। फिर चलिए हम इसे सर्व करते हैं। बहुत टेस्टी और लाजवाब बना है। तो इस तरह से आप केले की सब्जी बनाएं और इसको खाएं, तब इसके स्वाद का अनुभव चलेगा।
और वरना किचन में जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और चलिए हम इसे सर्व करते हैं, बहुत अच्छा बना है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर आप बताएं। तो चलिए हम इसे दिखा रहे हैं, केले की जो है गल गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छे से ये पक गया है। और इसको बनाने में 7 से 8 मिनट लगे। ओप्स, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू और नमस्ते। आपका प्यार इसी तरह बना रहे मेरे वीडियो के साथ और मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी।